केंद्र ने गेहूं निर्यात पर चर्चा के लिए मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान में प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग के बीच 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन एमटी गेहूं निर्यात का लक्ष्य रखा है। 2021-22 में भारत ने 2.5 मिलियन डॉलर मूल्य के साथ मेट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात किया। लगभग 50% गेहूं का बांग्लादेश को निर्यात किया जाता था। मिस्र ने भारत से 61 मेट्रिक टन गेहूं का आयात किया। केंद्र ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के तत्वाधान में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ गेहूं निर्यात के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे भारत को गेहूं के विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए गुणवत्ता मानदंडों का पालन करें, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। वाणिज्य विभाग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में निर्यात पर संवेदीकरण बैठकों की योजना बना रहा है। एपीटा ने गुणवत्तापूर्ण गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के करनाल में किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के साथ अलग से इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।